माइनॉरिटी स्टूडेंट को होता था वो नहीं हुआ है, और इस साल केएमटीसी का कोई एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं छूटा है, जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, गरीब स्टूडेंट्स हैं, उनके एजुकेशन पे इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं अपने कॉलेजेस से, अपने एजुकेशन से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, और अपना स्टेट का, अपना नेशन का एजुकेशन लेवल घट रहा है, जिसमें हमारे नेशन बिल्डिंग पे इफेक्ट हो रहा है। तो हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं, जिस तरह 2017 में 275 करोड़ रुपए केएमटीसी के लिए सैंक्शन किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद हम देखते हैं 2018 में ये कम होते हुए आ रहे हैं, 18, 19, 20, 2020 में हम देखते हैं कि सिर्फ 45 करोड़ केएमटीसी लोन की तौर पे सैंक्शन किया गया गवर्नमेंट, और 2021 में अभी तक कोई अमाउंट सैंक्शन नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट ये जो एजुकेशन का लोन है इसको बता रही है कि कोविड के लिए यूज किया गया, कोई दूसरे पर्पस के लिए यूज किया गया, जब हम जानते हैं कि एजुकेशन एक अपने एक देश को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी हथियार है, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी हथियार एजुकेशन है। तो हम एजुकेशन के लिए जब गवर्नमेंट ये लोन को कम कर रही है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस लोन को फिर से बढ़ाया जाए, और जो इस मर्तबा का लोन नहीं दिया गया है, जो बच्चों को इसका फायदा नहीं हुआ है, तो हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि इस मर्तबा का लोन फिर से सैंक्शन किया जाए, ताकि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल करें और अपने स्कूल के कॉलेजेस के फीस भर सकें और ड्रॉप आउट होने से बच सकें और अपना नेशन का एजुकेशन लेवल को कम करने से इसको बचाए। केएमडीसी लोन ಇದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂದ 274 ಕರೋಡ್ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು ಇದೆ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ 2018 ಅಲ್ಲಿ 250 ಕರೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ 24 ಕರೋಡ್ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಅದು 195 ಕರೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇದು ಕೆಎಂಡಿಸಿ ಅರಿವಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಕೆಎಂಡಿಸಿ ಅರಿವಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಗೆ ಇದು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ फाइनेंशियल कंडीशन खराब है कैसे आगे पढ़ाई करेंगे हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं लेकिन आज क्या हो गया है सर हमारे लिए कि हम केएमडीसी लोन जब स्टूडेंट्स के लिए रिलीज नहीं करेंगे तो क्या होगा सर असल मेन एजुकेशन चीज जो इम्पोर्टेंट है वही चीज हमारे को नहीं मिल रही है तो हम आगे कैसा बढ़ेंगे सर जब हम पूरे बच्चों का साथ नहीं देंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा सर पूरे देश का डेवलपमेंट कहाँ से होगा जब तक हम पुअर को साथ लेके नहीं चलेंगे आप खुद देखेंगे कोविड में कितने लोग परेशान हो गए हैं सर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी है कई लोगों की कई आज हमारे साथ के स्टूडेंट्स हैं सर वो ड्रॉप आउट हो गए हैं सर वो बोल रहे हैं कि हम नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं हम एजुकेशन तो उनको गवर्नमेंट क्या करेगी सर इसका पूरी जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है और यहाँ के केएमडीसी के लोग हैं जो ये रिलीज नहीं कर रहे हैं
तो हम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के यही बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको रिलीज करें और जितने भी स्टूडेंट्स अब ड्रॉप आउट के नजदीक पहुंच चुके हैं उनको फीस भर के उनको कंटिन्यू करने के लिए दें।